ऑल्ट न्यूज के सभी व्यूअर्स, सभी साथियों को नए साल की खूब सारी बधाई। हेलो, मेरा नाम है केतन और हम लेके आए हैं वीकली फैक्ट चेक्स का एक और एपिसोड, जिसमें बताएंगे आपको इस हफ्ते के टॉप फैक्ट चेक्स। शुरुआत करते हैं कोविड की वैक्सीन से जुड़े फैक्ट चेक से, जिसके केंद्र में हैं इंडिया टीवी के मुख्य संपादक और चेयरमैन रजत शर्मा। रजत शर्मा ने 3 जनवरी को ट्वीट करते हुए कहा कि 190 देशों ने भारत द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन की बुकिंग पहले ही कर ली है। इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की बात कर रहे थे। भारत बायोटेक की बनाई गई वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड के रिस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल की परमिशन दी गई है। ये परमिशन किसने दी है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने। लेकिन इन सब में चौंकाने वाली बात यह है कि इस वैक्सीन को असरदार दिखाने के लिए फेज 3 के आंकड़े सार्वजनिक ही नहीं किए गए, और यही कारण है कि कई शोधकर्ताओं ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज पर सवाल उठाए। असल में यह कहना कि 190 देशों ने कोवैक्सीन की बुकिंग करवा ली है एक बेहद हवाबाजी वाला स्टेटमेंट जान पड़ता है। इस 190 की संख्या का कारण एक ही हो सकता है। WHO ने कहा था कि उसने कोवैक्स के रूप में करीब 190 देशों के 2 बिलियन यानी 200 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। यहां यह भी बता दें कि कोवैक्स WHO का एक इनिशिएटिव है, जो कि पूरे विश्व में आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव COVID-19 की वैक्सीन उपलब्ध करवाएगा। लेकिन रजत शर्मा बात कर रहे थे कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन यानी भारत बायोटेक की वैक्सीन, जो कि भारतीय वैक्सीन है। वो इसी कोवैक्स और कोवैक्सीन के बीच में कंफ्यूज हो गए। एक बार फिर बता दें कि कोवैक्सीन यानी भारतीय वैक्सीन और कोवैक्स यानी WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर की गई एक पहल। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराने में भारत की अहम भूमिका रहेगी, लेकिन जिसने 190 देशों में वैक्सीन देने की बात कही है वो कोवैक्स है। ये सारे फैक्ट चेक्स इस वीडियो में तो हम सरसरी तौर पर बता रहे हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल में जानकारी पाने के लिए आप जा सकते हैं ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट altnews.in/hindi पर। आगे बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट चेक की तरफ, जहां बात हो रही है एक रेलवे स्टेशन पर बनी हुई मजार की। सोशल मीडिया पर एक मस्जिद की तस्वीर शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। ये मैसेज क्यों शेयर हो रहा है? क्योंकि हाल ही में चांदनी चौक में एक हनुमान मंदिर तोड़ा गया, क्योंकि वो सड़क के बीच आ रहा था। यहाँ ये बता दिया जाए कि चांदनी चौक में रास्ते पर बने हनुमान मंदिर को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत तोड़ा गया था, लेकिन लोगों ने दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। खैर, ट्विटर यूजर मानवी त्रिपाठी ने रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक मजार की तस्वीर शेयर करते हुए इस ओर इशारा किया कि अगर हनुमान मंदिर तोड़ा जा सकता है तो रेलवे स्टेशन पर मौजूद मस्जिद क्यों नहीं। असल में यह मजार इलाहाबाद स्टेशन पर मौजूद है, वही इलाहाबाद जिसे अब आधिकारिक रूप से प्रयागराज का नाम मिल चुका है। इस मजार का नाम है लाइन शाह बाबा। हर गुरुवार यानी थर्सडे को यहां एक छोटा मोटा मेला जैसा माहौल बनता है, और इस मजार में यकीन करने वाले लोग यहां पर आते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बाकायदे इससे जुड़ा हुआ एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जो यहां आने वालों को सफाई की ओर खास ध्यान बरतने की ओर कहता है। यानी आधिकारिक रूप से यह मजार यहां एग्जिस्ट करती है। ऑल्ट न्यूज ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन के SP मनोज कुमार झा से संपर्क किया। उन्होंने बताया, दरअसल ये मजार रेलवे स्टेशन के निर्माण से पहले ही यहां पर मौजूद है। यहां सभी धर्म के लोग आते हैं और माथा टेकते हैं। इस मजार के बारे में अभी तक हमें किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिली है। तीसरा फैक्ट चेक है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। किसान आंदोलन जिससे जुड़ी गलत जानकारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ये फैक्ट चेक है एक व्यक्ति से जुड़ा, जो कश्मीरी नेताओं की आजादी का पोस्टर लेकर खड़ा दिख रहा है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी शेयर की जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति हाथ में पोस्टर लिए हुए खड़ा है। पोस्टर पर लिखा है कि मुख्य धारा और प्रो फ्रीडम कश्मीरी लीडरशिप को आजाद करें। दावा किया जा रहा है कि यह व्यक्ति किसानों के प्रदर्शन के दौरान यह पोस्टर लेकर खड़ा हुआ था। भाजपा दिल्ली के मीडिया हेड और प्रवक्ता नवीन कुमार ने यह तस्वीर ट्वीट की। ट्विटर हैंडल @काफिरज्ञान ने यह तस्वीर इसी दावे के साथ ट्वीट की। हमें 5 दिसंबर 2019 की द ट्रिब्यून की रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दल खालसा और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर 10 दिसंबर 2019 को ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर श्रीनगर के लाल चौके में धरना देने वाले थे। ये इसी धरने के दौरान की तस्वीर है, जब दल खालसा और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को पंजाब के पठानकोट बॉर्डर पर रोक दिया गया था। ये तस्वीर इसी मौके की है। 9 दिसंबर 2019 की BBC की वीडियो रिपोर्ट में इस व्यक्ति को इसी पोस्टर के साथ
कई बार देखा गया। यानी किसान आंदोलन सितंबर 2020 में नए कृषि कानून के आने के बाद शुरू हुआ था, जबकि ये तस्वीर दिसंबर 2019 की घटना से जुड़ी हुई है। फैक्ट चेक नंबर 4, एक बार फिर किसान आंदोलन से रिलेटेड किसानों के भारी संख्या में लगे हुए टेंट्स की एक वायरल तस्वीर। सोशल मीडिया यूजर्स एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं जिसमें दूर दूर तक टेंट्स नजर आ रहे हैं। अलग अलग कैप्शन के साथ शेयर की जा रही इस तस्वीर को किसान आंदोलन से जोड़ा गया। दावा किया गया कि ये टेंट्स प्रदर्शन कर रहे किसानों के हैं। ट्विटर यूजर संगमित्रा ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, ये टेंट्स सत्ता के लिए बुरे सपने जैसा है और ये डर अच्छा है। ये तस्वीर असल में 2013 की है, यानी 7 साल से भी ज्यादा पुरानी। हमने जब इसका रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमें ये फिनलैंड की ट्रैवल वेबसाइट के एक आर्टिकल में मिली। इस तस्वीर का क्रेडिट फोटोग्राफर विली पलोनेन को दिया गया है। हमने विली के बारे में सर्च किया और पता चला कि वो फिनलैंड के ही फोटोग्राफर हैं और ये उन्हीं की वेबसाइट है। ऑल्ट न्यूज ने विली से संपर्क किया और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने ही ये तस्वीर खींची थी साल 2013 में। आखिरी फैक्ट चेक है योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ा हुआ। जी न्यूज, एबीपी गंगा और न्यूज 18 यूपी समेत कुछ अन्य चैनलों ने टाइम मैगजीन के बारे में एक न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार की खूब प्रशंसा की। ये तारीफ इस बात को लेकर थी कि योगी सरकार ने कोरोना महामारी में किस तरह परिस्थितियों को संभाला। अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन टाइम मैगजीन का स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे और बता रहे थे कि इस विश्व प्रतिष्ठित मैगजीन ने योगी आदित्यनाथ की कितनी तारीफ की है। असल में ये एक पेड एडवर्टाइजमेंट था। टाइम मैगजीन में छपे इस आर्टिकल को सबसे पहले 15 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था। उस समय इसे लेकर इतना हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब बीएसई के सीईओ भाजपा समर्थक आशीष चौहान और ऋषि बागरी ने इसे शेयर किया तो इसे मेनस्ट्रीम मीडिया तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह 3 पेज का आर्टिकल असल में उत्तर प्रदेश सरकार का एडवर्टोरियल है। इस आर्टिकल में ऊपर बाकायदे लिखा है कंटेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि एडवर्टोरियल एक तरह के विज्ञापन होते हैं जिन्हें संपादकीय ढंग से लिखा जाता है और बदले में एक कीमत अदा की जाती है। इस एडवर्टोरियल की शान में कसीदे पढ़ते हुए राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑप इंडिया ने जो हिंदी आर्टिकल लिखा था उसका कैप्शन था, जिस टाइम मैगजीन ने कहा था कट्टर वही हुआ सीएम योगी का मुरीद। तो ये थे इस हफ्ते के बड़े फैक्ट चेक्स। इन सभी फैक्ट चेक्स के बारे में या और भी गलत जानकारियों दावों की सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट altnews.in/hindi पर जा सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ने के लिए altnews.in ही काफी होगा। वीडियो के फॉर्म में इन फैक्ट चेक्स को पाने के लिए, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें ऑल्ट न्यूज के यूट्यूब चैनल को और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। लोगों तक पहुंचने में यह हमारी मदद करेगा और साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इस लड़ाई में हम और मजबूत हो सकेंगे। मेरा नाम है केतन और ऑल्ट न्यूज में अपना भरोसा यूं ही दिखाते रहें, आपका भरोसा यानी हमारी ताकत। शुक्रिया।